सो गाइस, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं सोच नहीं रहा था मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना यार किसी की लाइफ में, किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जैसे कि पता लगा सुशांत सर का, मतलब ही इज़ नो मोर, वो नहीं रहे अब। सो मैं बनाने चाह रहा था कि कुछ वीडियो बनाऊँ, कॉन्ट्रवर्सी हो, मैं सीरियसली नहीं चाह रहा था बनाना। बट हुआ क्या ना, आज मैंने देखा करण जौहर ने एक पोस्ट डाल रखी थी और उसमें कुछ लिख रखा था कि मतलब ये वो दिस दैट, कि काश ये होता, मैं वो एक साल से मिले नहीं थे, ये वो ये वो। सो यार एक चीज़ मैं बोलना चाहता यार, जब इंसान किसी के मरने पे ना आए ना, तो ये चीज़ भी मत करो यार। आप इतने बड़े रह चुके हो यार, इतने बड़े आप फिल्म इंडस्ट्री के वो हो, जिन्होंने आपने भी बहुत कुछ करा अपनी इंडस्ट्री में, और आपको ही पता है आपने इतनी फिल्में बनाई हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा यार कि ये सब बेवकूफ़ी जो आप कर रहे हो, फेक चीज़ें दिखा रहे हो, जिससे लोगों को लगेगा हाँ कि आप लोगों के दिल में उसके लिए क्या जगह थी, तो ये चीज़ फेक आप मत करो यार। कि जब वो बंदा मरा, जब उसको ज़रूरत थी तुम लोगों की, जब तुमने किसी ने उसका साथ नहीं दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जैसे उसको ज़रूरत पड़ी थी तुम्हारी, तुम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, जब इंसान नहीं रहा, अब तुम कह रहे हो कि मैं ये था उसके लिए, मैं ये करता था, जबकि हकीकत यही है कि तुमने उसके जीते जी उसको तुमने कभी जीने नहीं दिया ढंग से, ठीक है। फिल्मों की बात करते हैं, तुम गली बॉय जैसी घिसी पिटी मूवी को छिछोरे से कंपेयर करके, और छिछोरे को नीचे करके आप उसको अवार्ड दे रहे हो, गली बॉय को इतने अवार्ड मिले गली बॉय को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को, आप लोगों को खुद भी पता होगी ये चीज़। तो यार ये चीज़ गलत है यार, कि बंदा भी मेहनत कर रहा है यार, वो हमें पता है वो इतनी अच्छे उससे नहीं था, जैसे कोई कपूर ख़ानदान से है, कोई ओबरॉय ख़ानदान से है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री में भेदभाव होता है, ये चीज़ हमें देखने को आज मिल गई। भाई उस बंदे की क्या गलती थी, आप खुद ही बताओगे इस मुझे। वो बंदा अपनी मेहनत से इतना आगे पहुँचा था, अपनी लगन से इतना आगे पहुँचा था वो, ठीक है। इतनी बेहतरीन बेहतरीन मूवी थी उसमें, जिसने कि आप लोग बेइज्जती कर देते हो। सलमान खान सर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं सभी लोग, सलमान खान सर से मुझे उम्मीद नहीं थी। सलमान खान सर भी ये बोलते हैं, जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ मूवी करना चाहोगे, तो उसने बोला कौन है वो। तो यार सर आपको ही पता है, सलमान सर आप कहाँ से उठे हो, आपको ही पता है कैसे किससे क्या बिहेव कराया जाता है। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब जो इंसान नहीं रहा, आप उसको ये बोल रहे हो, जैसे कंगना मैम ने सब सच खोल दिया, भाई क्या सच था इनका यहाँ का, ठीक है, सारा सच खोल दिया। ये करण जौहर देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने इससे पोस्ट डाल के दे देखो, मतलब जब इंसान ही नहीं रहा ना यार, तब इतनी फेक चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। और 80% लोगों के, मैंने जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके देख रहा हूँ मैं, हार्ट बना के रहे हैं, रो रहे हैं, भाई क्या, जब मरा उस, तुम्हें इतनी शर्म नहीं है, उसकी माँ उसकी बाप जब तक नहीं पहुँचे थे, अकेला पड़ा था वो बेचारा, तुम्हें वहाँ जाके उसकी सपोर्ट करना चाहिए था। तुम बोल रहे हो कोरोना वायरस, यार ऋषि कपूर सर का डेथ हुई क्यों, तब कोरोना वायरस नहीं था, तब कहाँ गया था कोरोना वायरस, तब भी तो था ना भाई कोरोना वायरस, तब तो तुम सारे आए थे, क्यों, क्योंकि कपूर है वो भाई। अगर यही इंडस्ट्री है ना, सही बोल रहा हूँ, अगर यही इंडस्ट्री है ना, तो हमें नहीं चाहिए भाई ऐसी फेम। हम चाहेंगे हम अपनी वीडियो बना के यूट्यूब तक ही सीमित रहें, ठीक है। तुम लोगों की इंडस्ट्री में तो कभी ज़िंदगी में नहीं आना चाहेंगे हम लोगों का यार। हम अगर ऑफिस में काम करते हैं ना, अगर ऑफिस में हमारे किसी को हमें कुछ बुखार भी हो जाता है ना भाई, तो हमें 10 बंदे पूछने आते हैं हमारे ऑफिस के भी, भाई यश क्या हो गया, ठीक है नहीं ठीक है। यार तुम लोग तो जिसके साथ काम करते हो यार, उसी के साथ नहीं आए तुम, जबकि वो बेचारा मर गया यार। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं यार बहुत ज़्यादा भाई, इतना नहीं करना चाहिए यार किसी के साथ। कोई इंसान इतनी फ्रस्ट्रेट था, तुम लोग उसको मिल के समझाते, वो बेचारा तुम लोगों के सामने इतना गिड़गिड़ाया भी है जो भी था उसका, तुम लोग ऐसा कर रहे हो यार। सीरियसली यार ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। और भाई करण जौहर प्लीज़ मत कर ये सब, ठीक है, ये सब ना बाबा का भक्त बनने की कोशिश मत कर, समझ आ गई बात। और जितने भी लोग उसको कमेंट करें ना पॉपुलर क्रिएटर, तो एक चीज़ बता दूं भाई, जब उसके मरने पे भी साथ देंगे ना, तो ये सब करके ना उसकी आत्मा को तुम शांति नहीं उल्टा दुखी पहुँचा रहे हो, ठीक है। सारा अवार्ड की बात हो, घिसी पिटी मूवी को अवार्ड दे रहे हो, जिस बंदे ने इतनी मेहनत करी, MS धोनी जैसी मूवी तक को अवार्ड नहीं दिया आप लोगों ने। भाई अगर ऐसी इंडस्ट्री है ना, तो भाई नहीं चाहिए किसी को ऐसी फेम, नहीं फ़ायदा, क्या करा उस बेचारे ने, कहाँ लेके जा रहा है वो पैसा। जीते जी उसने तुम लोगों के सामने इतनी अपनी मेहनत करी, इतनी परफॉर्मेंस दी उसने, तुम उनकी बेइज्जती करते थे यार। अब वो बेचारा नहीं रहा, तो करण जौहर भी अपनी फेक चीज़ें डाल के दिखा रहा है, ये था वो था, भाई मत कर ये फेक चीज़ें भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ लग रहा है भाई। तू रिस्पेक्ट कर रहे थे हम तेरी, जब तक हमें तेरे को अच्छी चीज़ लग रही थी, तो तूने जो चीज़ें करी ना, ये कोई दुश्मन भी नहीं करता यार। क्या ही बोलो यार, मैं ये चीज़ बनाने नहीं चाहता वीडियोस, बट मैंने जब देखा ना भाई, मेरे सही में नहीं रह गया,
मैं सोच रहा था ये तुम लोगों के साथ शेयर करूं वीडियोस। क्या बोलूं यार, स्पीचलेस, पूरा पूरा स्पीचलेस है यार। और बोलना चाहूँगा, कंगना मैम ने एक चीज़ अच्छी कही कि संजय दत्त अगर ड्रग्स लेता है, दारू पीता है, तो तुम क्या तो शौक है, अगर और कोई पिए है तो तुम क्या तो बेवड़ा है। तो भाई ये चीज़ ना, भेदभाव छोड़ दो करना यार। इंडस्ट्री में आप लोग इंडस्ट्री में हो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे को साथ दो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, कभी किसी को नीचे मत करो यार। इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे भाई, कफन पे कुछ नहीं लेके जाता इंसान, खाली आते ही जाता है भाई, समझ रहे हो। तो बस यार यही कहना चाहूँगा, बाकी मुझे कुछ बोलना नहीं है। और क्या वीडियो को एंजॉय करोगे यार, बस बाकी मैं ये चाहूँगा उनकी आत्मा को प्लीज़ भगवान शांति दे, और जहाँ भी उनको जन्नत नसीब फरमाए। सो चलो बस बस, थैंक यू, और कुछ नहीं बोलना।